जिले के साइला उपखंड के बापतारा गांव में स्कूल का वार्षिक उत्सव मनाया गया, जहां के आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित विदाई समारोह का भी आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में ठाकुर भगवत सिंह भाटी को मुख्य अतिथि के रूप में वो मौजूद थे। वहीं भीम सिंह धवेसा की अध्यक्षता में कार्यक्रम का संचालन किया गया। कार्यक्रम में 53 बोर्ड विद्यार्थियों के साथ विद्यालय के 3 शिक्षकों को भी विदाई दी गयी। इनमें शिक्षक लखन लाल यादव, दूधाराम व सोहन लाल बिश्नोई शामिल है। शिक्षकों को दूसरे विद्यालय स्थानांतरित किया गया। वार्षिक उत्सव के मौके पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। छात्रों ने पुलवामा शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कविता पाठ किया। मुख्य अतिथि ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रोफेसर गणेश राम चौधरी ने विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत कर आगे बढ़ने की बात कही। कार्यक्रम का मंच संचालन करते हुए सुरेश कुमार दवे ने कहा कि शिक्षा लेना और उसका उपयोग करना तब सार्थक है जब आप संस्कारवान हो, व संस्कार होना बहुत जरूरी है। मिर्जापुर के लालगंज थाना के लहनपुर चौकी क्षेत्र के मेवाड़ी गांव में एक 75 साल के वृद्ध का शव मिला। ये शव गांव के ही एक प्लांट के पास मिला। बुजुर्ग महिला के सिर पर चोट के निशान मिले। उसके परिजनों ने हत्या की आशंका बताई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि गांव में स्थित शव मिलने के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। वहीं पूरी घटना पर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि किन परिस्थितियों में महिला वहां पहुंची, उसकी मौत कैसे हुई, उसकी जांच चल रही है। विभिन्न पहलुओं पर जांच की जाएगी। साथ ही परिजन तहरीर देते हैं तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये थाना लालगंज में एक प्लांट, कृषक का प्लांट वगैरह है, वहाँ एक महिला की लाश आज सुबह मिली थी, जिसकी उम्र लगभग 75 या उससे ज़्यादा की है। और कोशिश करने में जानकारी करने पर चले, मृतका का नाम जो है उमराई देवी है और उनके पुत्र वहाँ पहुँच गए थे। खोजबीन करने के बाद पुलिस ने बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और जैसे ही इस संबंध में कोई और जानकारी प्राप्त होती है या उनके पुत्र द्वारा किसी प्रकार की कोई शिकायत दर्ज करा दी तो उस पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के रामपुर में बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2019 का आगाज हुआ और इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने शिरकत की। उन्होंने इस चैंपियनशिप का आगाज किया। कई राज्यों से बॉडी बिल्डिंग के शौकीन चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं। आजम खान ने कहा कि सभी नौजवानों को वे मुबारकबाद देते हैं। उन्होंने हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि अच्छी सेहत और बॉडी बिल्डिंग में मिसाल कायम करें, बॉडी को अच्छे कामों में इस्तेमाल करें। उन्होंने नौजवानों से शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहतर करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया और कहा कि नौजवान इल्म पाने के लिए भी पुरजोर मेहनत करते रहे। जहां पानी नहीं था, जहां खाने के लिए रोटी नहीं थी, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, रहने के लिए मकान नहीं था, जीने के लिए इज्जत नहीं थी और पढ़ने के लिए कलम नहीं था, आज उस शहर में अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम चीज़ों की फराहमी है। वो एक शेर है नवाज़ भाई का, हमने अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। कोशिश हुई है ऐसे बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी भी तैयार कर दीजिए। मैं चाहूँगा कि इन जिस्मों के साथ जितनी मेहनत हमारे बच्चे अपने जिस्म को बनाने के लिए करते हैं, अपने फ्यूचर को बनाने के लिए भी अगर इतनी मेहनत करेंगे तो वो फिर 2-in-1 होंगे। अब जब 2-in-1 होंगे तो वो 11 होंगे और 11 बहुत ताकतवर होते हैं। अगर ये आप काम शुरू करेंगे तो हम समझते ही हैं कि हम अपने उस समाज के लिए, रामपुर का जो दबा हुआ समाज है, उन्हें हम अच्छी तालीम भी दे सकेंगे, हम उन्हें अच्छी सेहत भी दे सकेंगे। फिरोजाबाद के थाना नारखी क्षेत्र में सड़क पर शराब पीते हुए पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हो रहा है। लोगों का कहना है कि जहां एक तरफ आपराधिक वारदातों में इजाफा हुआ है, वहीं पुलिसकर्मी का ये वायरल वीडियो देखकर पुलिस प्रशासन के खस्ता हाल का जायजा लिया जा सकता है। वीडियो में पुलिसकर्मी सरेआम शराब पी रहा है और नशे में है। बताया जा रहा है कि वीडियो नारखी थाना क्षेत्र के नया बांस गाँव के पास के एक देशी शराब दुकान की है। फिलहाल इस वीडियो की जाँच प्रशासन की तरफ की जा रही है।
कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा के दादाबाड़ी स्थित कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने सुबह आतिशबाजी की और भारत माता के जयकारे लगाए। शर्मा ने कहा कि भारतीय सेना ने पुलवामा आतंकी हमले का करारा जवाब दिया। इस मौके पर बीजेपी के गजेंद्र सिंह, राकेश नायक, पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रद्युमन पौमी, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष प्रमोद व्यास आदि मौजूद थे। भाजपा प्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक भवानी सिंह रजावत के कार्यालय के बाहर आतिशबाजी का जश्न मनाया। इस अवसर पर थोक फल सब्जी मंडी के अध्यक्ष ओम मालव, उप महापौर सुनीता व्यास, शहर उपाध्यक्ष राकेश मिश्रा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष नंदलाल मीणा, मंडल अध्यक्ष मनीष गालव, खेमचंद शाकिवाल, पार्षद गिरिराज महावर, दौलत राम मेघवाल, मीना प्रजापति, मधु कंवर आदि मौजूद थे। उप महापौर के आवास पर भी आतिशबाजी की गई। पाकिस्तान ने जब हमारे सैनिकों पे हमला किया था, हमने उनके सैनिकों पे हमला नहीं किया है, हमने आतंकवाद पे हमला किया है। आप और हम सबको याद था पुलवामा में जो हमारे सैनिक थे, उनको उन्होंने नियत सैनिकों पर वार किया, उसका बदला लेना था। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने देश की जनता को विश्वास दिलाया था कि इसका ऐसा बदला लिया जाएगा जो पूरा विश्व याद करेगा। और आज 12वें दिन ही पाकिस्तान का 12वां करके उन्होंने ये करारा जवाब दिया है। और हम सब चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारी जो सेना है उसका मनोबल इतना बड़ा है, क्योंकि पहली बार हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने सेना को खुली छूट दी और उनको बोला था कि आप ही तारीख तय करें और आप ही इसका प्लान तैयार करें, और सेना ने बखूबी प्लान तैयार किया और उसका परिणाम आज पूरे विश्व ने देखा है। तो आने वाले समय में यदि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो उसे समूल नष्ट कर दिया जाएगा।